ब्लीडिंग, तुम्हारा तो खून निकल रहा है। लगता है छोटा सा कट लग गया, इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं क्या करती अगर तुम ना आते तो। कोई बात नहीं, अगर मैं ना आता आपने उसका मुंह तोड़ देना था। तू किधर जा रही है? वो बेगम साहिबा, आपने ही तो कहा था कि जब तनख्वाह मिल जाए तो गांव से आना। अच्छा, तो बाकी सारे घर के काम तेरा बाप करेगा? हेलो खान भाई, उस लड़के ने सारा काम खराब कर दिया। तो क्या हुआ, उस लड़के को भी उठा लेते। तुझे एक काम का था, तुझसे वो भी नहीं हुआ। शायद मैं आपके दुख को नहीं समझ सकता, लेकिन कभी कभी जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं। कहना आसान है साहब जी, लेकिन बड़ी गाड़ियों में सफर करने वालों को पैदल चलने वालों का दुख नहीं पता। तो हिना को क्यों इग्नोर कर रहा है? टोनी, मैं एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जहाँ पर सबके दिल टूटेंगे। मैं फंस सा गया हूँ यार। अगर मैं सब कुछ सच बोल दूँ तो जो लोग मेरे दिल के पास हैं वो जिंदगी और मौत की जंग हार जाएंगे। अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की ना, तो याद रख पापा का एक ही बेटा हूँ। तेरी गाड़ी, तेरी नौकरी, तेरा घर, सब एक चुटकी में खत्म कर दूंगा, समझा ना? और हाँ, अगर पापा ने पूछा तो हम तेरे दोस्त की पार्टी में गए थे, समझा ना? लेकिन शिराज, गाड़ी चला। कहाँ से आ रहे हो तुम? वो फ्रेंड की पार्टी थी डैड। पी लिया तुमने? नहीं। How dare you? मिस्टर बिलाल, ये मेरे साथ था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को अपनी गंदी जिंदगी में इन्वॉल्व करने की? मिस्टर बिलाल, I'm sorry. You get lost right now. I will deal with you tomorrow in the office. And you get in. तुझे वो थप्पड़ नहीं खाना चाहिए था अरसलान, अब तो उनकी नज़र में तेरी इज्जत भी खत्म हो गई है। इज्जत? कैसी इज्जत, जो नौकरी करने से पहले थी। तेरी बात समझ रहा हूँ मैं यार, मगर तू ये भी तो सोच, तेरी शादी होने वाली वहाँ पे और वहाँ पे तेरी अब कोई वैल्यू भी नहीं रही, तू कैसे कर सकता है? खान, तू तो जानता है मेरे पास कुछ भी नहीं था। मिस्टर बिलाल ने दुनिया में मुझे इज्जत दिलाई है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरसलान, मिस्टर बिलाल मेरे मामू है, मगर जो बात गलत है वो गलत है। तुझे कोई और जॉब तलाश करनी चाहिए। अब क्या हुआ डैड? हिना, बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। आई नो यू रियली लव मी ना। लेकिन अरसलान, डैड अब खुल के क्यों नहीं बोलते, व्हाट्स रॉन्ग? हिना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अरसलान शायद अच्छा लड़का नहीं है। ये अब क्या कह रहे हैं पापा, आपको डेफिनेटली कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें पता है वो कल शिराज को एक पार्टी में लेकर गया था and Shiraz was drunk? Hina, I know people make mistakes, but Arsalan, I don't think he's the right guy for you. But Papa, you know I love him. I know. But Papa, main Arsalan ke bagair nahi jee sakti. I'm crazy about him. I know. Isi baat ka to dar tha mujhe. Beta, you know I will always support you. But I really want you to think about this. Excuse me. कहाँ जा रही हो? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं साहब जी, मैं चली जाऊंगी, रोज सौदा लेने ऐसे ही जाती हूँ। ये साहब जी क्या है? Just call me Arsalan. क्या? वो हमको अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा आप गाड़ी में आ जाओ, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। कितनी अच्छी गाड़ी है, इसको चलाना मुश्किल होगा ना? वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम परवीन है। परवीन? और मेरा नाम अरसलान है। अच्छा अब चले। आप सीट बेल्ट लगा लो। वो क्या होता है? सीट बेल्ट, इसको आप पकड़ के यहाँ से अंदर डाल दें।
लो जी आपका स्टोर आ गया। आपका बहुत शुक्रिया। सुने ये मेरा कार्ड, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। बाजी कल तक वापस आ जाओगी ना? हाँ पगली, तुझे क्या हो गया है? पता नहीं क्यों बस कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा अम्मा पारो, अम्मा कहाँ रह गए सारे? अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा पारो बानो, बस एक दिन की इजाजत मिली थी, सोचा अम्मा को मिलाऊं। अम्मा कहाँ पे है? तो कुछ बोलती क्यों नहीं? वो बानो मैंने उनको हर जगह आवाज दी है, मुझे नजर नहीं आ रही। वो बानो क्या पारो, कहाँ पे अम्मा? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? बानो अम्मा हमें हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़ के चली गई। ये तू क्या कह रही है, तू पागल तो नहीं होगी? मैं सच बोल रही हूँ बानो, मैंने तुझे फोन पे बता देना था लेकिन तूने फोन ही काट दिया। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर भी कुछ न कर सका। मेरी अम्मा मुझे छोड़ के चली गई पारो। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कल रात के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इट्स ओके, एक्चुअली मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया था। सर ये आप क्या कह रहे हैं, गलती तो मेरी थी। आई नो आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट तुम मेरे होने वाले दामाद भी तो हो। ये फाइल तुम्हारे लिए थी। जी वैसे शादी में एक महीना रह गया है, तुम्हारी तैयारियां कैसी जा रही हैं? बिल्कुल ठीक सर, हिना लाइक्स टू मेक ऑल द डिसीजंस, आपको तो पता ही है। आई नो, नाउ गेट बैक टू वर्क। बानो तूने अम्मा के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह अपने प्यारों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। चुप कर पगली। अच्छा मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। जितना मैं तुझको ये बोलूं उतना ही